गोंद कतीरा हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आप इसे कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दूध के साथ, पानी के साथ या हलवा वगैरह में। गोंद कतीरा का ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है। इसे सुबह खाली पेट दूध या पानी के साथ लेना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। अगर आप इसे दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसे इस्तेमाल करने से पहले 30 मिनट तक कुछ ना खाएं। गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है और इसी खासियत की वजह से इसे ऐसे ड्रिंक्स तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गर्मी के मौसम में जिस्म को ठंडा करने में मदद देते हैं। ये कूलिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और जिस्म के दर्जा हरारत को कम करता है और ये लू लगने से भी बचाता है। शदीद गर्मी के मौसम में नाक से खून आने को कंट्रोल करने के लिए गोंद कतीरा काफी फायदेमंद होता है। गोंद कतीरा जिस्म से जहरीले मादों को बाहर निकालने में मदद करता है, मैदे की गर्मी को दूर करता है, जिगर की गर्मी को दूर करता है, मसाना की गर्मी को दूर करता है, कमजोरी को दूर करता है, पेशाब की जलन को दूर करता है और पेशाब से जुड़ी बीमारियों को दूर करता है। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, अगर आपके हाथों पैरों में जलन होती है, तो आपको गोंद कतीरा का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। रात को सोने से पहले एक चम्मच गोंद कतीरा को एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट इसे दूध या पानी में चम्मच की मदद से मिक्स कर लें और इसमें मिश्री गुड़ या देसी शक्कर मिलाकर पी लें। गोंद कतीरा को दूध के साथ खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है जिसकी वजह से हड्डियों को जरूरी गिजाई अज्जा मिलते हैं। गोंद कतीरा को दूध के साथ खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। जिन लोगों को हाई बीपी का मसला हो, वो गोंद कतीरा को दूध के साथ इस्तेमाल करें। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। गोंद कतीरा को दूध के साथ खाने से नींद अच्छी आती है, इसलिए जिन लोगों को नींद न आने का मसला हो, वो इसका इस्तेमाल जरूर करें। हमेशा जवान रहने के लिए दूध और गोंद कतीरा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे बाकायदगी से इस्तेमाल करने से जिस्म में तवानाई बढ़ती है, कमजोरी और थकावट दूर होती है और इसका इस्तेमाल करने से खूबसूरती में भी इजाफा होता है। गोंद कतीरा मुंह के छालों को ठीक करने में मदद करता है। गोंद कतीरा में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो बालों को गिरने से रोकते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं। गोंद कतीरा का इस्तेमाल डिलीवरी के बाद होने वाली कमजोरी और माहवारी में काफी फायदेमंद होता है। गोंद कतीरा का इस्तेमाल खून की कमी को पूरा करता है। गोंद कतीरा हाथों, पैरों, जोड़ों, घुटनों और कमर दर्द में काफी फायदेमंद होता है। जिन लड़कियों का ब्रेस्ट साइज छोटा हो और वो अपना ब्रेस्ट साइज बढ़ाना चाहती हों, तो उनके लिए गोंद कतीरा काफी फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।